अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसको जो अभी जो हम लोग डील करेंगे उसमें थ्योरी, नाम सुन के तो लग रहा है कि थ्योरी है, बट हम लोग इसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा है जिसको थ्योरेटिकली काम नहीं करेंगे। हम लोग उसको एक तरह से कहें तो सीखेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग उसका यूज़ करते हैं और कैसे उससे बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढ लाते हैं, ये सीखना है। दूसरी बात, ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, ये 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड नहीं है, ये 12th क्लास के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है। और उसका ही सबसे ज़्यादा सवाल आपके कंपटीशन में, चाहे नीट हो या फिर जेई हो या फिर बोर्ड्स में भी, सीबीएसई बोर्ड्स में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब देने के लिए आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज़ करने आना चाहिए। तो थ्योरी में कौन सी बातें कही गई, उन सबों पे ज़्यादा ध्यान हम लोग अभी नहीं देंगे, और अभी सिर्फ हम आपको क्या बताएंगे कि कैसे इसको यूज़ करें, और उससे रिलेटेड पहले एक दो बात जो बेसिक है उसको हम आपको बता दें कि हम लोगों के पास क्या है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन, 11th क्लास में आप पढ़ते होंगे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन पता हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मॉलिक्यूल का जो शेप है वो क्या होता है। तो ये मॉलिक्यूलर शेप अगर हम लोग लिख लें तो फिर ये फ़ायदा होगा। जैसे अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, इसमें सारा हम नहीं बता रहे, sp2 sp और ये सब नहीं, क्योंकि वो सब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में मेनली यूज़ होगा, और यहाँ पे हम लोग फोकस कहाँ कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे फोकस कर रहे हैं। तो उस पे ज़्यादातर जो दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट उसका एग्जाम्पल बहुत कम है। मेनली जो हम लोगों को मिलेगा उसी पे फोकस करना है। तो sp3 का जो मॉलिकुलर शेप होगा ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है। इस 4 का ही एक और हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा, dsp2, और dsp2 का जो शेप होता है दैट इज स्क्वायर प्लेनर। फिर हम लोगों को एक sp3d या dsp3 ये वाला शेप में से कुछ पता करना होगा। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d आए या dsp3 आए तो उसका शेप हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिड होता है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आए या d2sp3 आए तब इसका शेप हम लोग कहते हैं ऑक्टा हेड्रल होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 आएगा तो मॉलिकुलर शेप टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन अगर dsp2 आएगा तो मॉलिकुलर शेप स्क्वायर प्लेनर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d या dsp3 आएगा तो मॉलिकुलर शेप ट्राइगोनल बाई पिरामिड, और अगर sp3d2 या d2sp3 आएगा तो उसका शेप ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कैसे अप्लाई करेंगे ये हम लोगों को जानना है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे अप्लाई करने के लिए हम लोगों को सिर्फ 4 स्टेप को फॉलो करना होता है। तो आइए देखते हैं पहला स्टेप क्या है। स्टेप 1 हम लोग कहेंगे, 4 स्टेप है, इसको पहले लिख लेते हैं फिर इसको अप्लाई करेंगे। स्टेप 1 में सबसे पहले क्या करना है, तो कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल, ये है स्टेप 1, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल। फिर स्टेप 2 हम लोग देखें, राइट द इलेक्ट्रॉनिक, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ द मेटल इन इट्स गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये है सेकेंड स्टेप। सबसे पहला आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल निकालना होगा,
दूसरा स्टेप में है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल का लिखना होगा उस आयन का जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जैसे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो +3 वाले आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो +2 वाले आयन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। ये स्टेप 1 और स्टेप 2। इसके बाद थर्ड स्टेप हम लोग लिखे हैं, स्टेप 3 में लिखना है ड्रॉ ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम जो बॉक्स वाला है, डी ऑर्बिटल में 5 बॉक्स, पी ऑर्बिटल में 3 बॉक्स, वो बनाना है। एंड उसके बाद स्टेप 4 में हम लोगों को क्या करना है, तो स्टेप 4 में लिखेंगे सेलेक्ट एम्प्टी ऑर्बिटल्स इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके बराबर आपको खाली ऑर्बिटल्स को सेलेक्ट करना है। अब इसको एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो 4 स्टेप है इसको किसी एग्जाम्पल पे अप्लाई करें तो बेहतर आप समझ सकते हैं। यहाँ पे सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम लोगों के पास है NaCl4। NaCl4 में इसको हम लोग अप्लाई करें, NaCl4 2-। तो सबसे पहला काम है निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना। तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, हम लोग लिखेंगे एक्स क्लोरीन का -1 × 4, और आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर है तो ये लिखेंगे हम लोग -2। ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड एक वीडियो जो है सो पुराना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला दूसरा तीसरा वीडियो और ऑक्सीडेशन नंबर का भी वीडियो पहले आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो वहाँ से जा करके आप ऑक्सीडेशन नंबर को और अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास ये इक्वेशन है और इसको सॉल्व करें तो एक्स का वैल्यू आएगा +2, मतलब निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर आया +2। निकेल जब हम लोगों के पास न्यूट्रल एटम होता है तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निकेल का एटॉमिक नंबर 28 है, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं 4s2 3d8। और जब निकेल का +2 वाले स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, जब +2 में लिखना होगा तब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देना है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटाएंगे, तो वो 4s2 से, क्योंकि 4s वाला जो है सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे, तब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d8। तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप किया निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया, सेकेंड स्टेप किया निकेल के +2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब थर्ड स्टेप में था ऑर्बिटल डायग्राम बनाना, तो हम लोग डी ऑर्बिटल का डायग्राम बनाएंगे। तो ये जो Ni2+ आयन है इसका डायग्राम अगर हम लोग बनाएं, तो डी ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होता है और यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को पहले हंट्स रूल में हम लोग भरते थे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और पाँचवा, और फिर पेयरिंग कर देंगे, ये 6ठा इलेक्ट्रॉन, 7वां इलेक्ट्रॉन और 8वां इलेक्ट्रॉन। तो ये 3d8 का हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन भर दिया। उसके बाद हम लोगों को फोर्थ स्टेप में लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, सेलेक्ट द एम्प्टी ऑर्बिटल्स इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स में 4 दिख रहा है और एम्प्टी ऑर्बिटल तो एक भी नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जितना क्लोरीन को लाना है, जो फॉर्मूला एक्चुअली है वो हम लोग लिख लेंगे। तो NaCl4 2- है। उसके बाद डी ऑर्बिटल में तो हम लोगों के पास जहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन है उसको एक बार फिर से हम बना देंगे। तो यहाँ पर डी में आपको 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8, ये 3D का सिचुएशन है। इसके बाद आपको बना लेना होगा 4s को बना लेना होगा, और 4s के बाद 4p को हम लोगों को बना लेना होगा।
अगर ज़रूरत पड़ता तो 4D भी बनाते, लेकिन नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को कितना, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए। तो आपको 4 ही खाली बॉक्स है मिलेगा, वो ज़रूरत पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, ये चारों बॉक्स हम लोग ले लेंगे। इस चारों बॉक्स में क्लोरीन क्या करेगा, लिगेंड के तौर पर काम करता हुआ क्लोरीन, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा और इन चारों बॉक्स के साथ, मतलब कि इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, Cl, 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 Cl चारों आकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, ये क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि वन ऑफ द एस ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कहेंगे sp3 हो जाएगा। और sp3 की वजह से इसका जो मॉलिकुलर शेप है वो आपको पता है, बताए थे पीछे, वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। एक चीज़ क्लियर हो गया कि NaCl42- का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और मॉलिकुलर शेप टेट्राहेड्रल। अब यहाँ इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिख रहा है कि यहाँ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ और एक यहाँ। और अगर किसी स्पीसीज के पास, मॉलिक्यूल या आयन के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो इसके पास तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एन का वैल्यू हम लोग कहेंगे कि दो है, तो दो है तो ये जो है सो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ये चीज़ भी आप इसमें बता सकते हैं। दूसरा, अगर किसी आयन या मॉलिक्यूल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो फिर आप कहते हैं कि उसमें कलर भी होगा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कलर्ड भी होगा। तो यहाँ इसको अब हम इधर जो है सो कुछ मिटाएं ऊपर, और कलर के बारे में है तो कलर भी लिख सकते हैं कि ये कलर्ड भी होगा, पारामैग्नेटिक होगा, कलर्ड होगा। फिर इसका मैग्नेटिक मोमेंट, जो पारामैग्नेटिक होता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसका फॉर्मूला लिखते हैं म्यू इक्वल्स टू n(n+2) का रूट। तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोगों को लिखना है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कितना, 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2, फिर 2+2, तो ये 2+2 4×2 8 हो जाएगा, दैट इज़ √8 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2√2 आएगा। बोर मैग्नेट्रॉन, BM, बोर मैग्नेट्रॉन जो है सो उसका यूनिट हो जाता है। तो NaCl42- का इतना सारा डिटेल जो है सो हम लोगों को पता चल गया, और हर पॉइंट से जो है सो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो शेप क्या है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, कलरलेस होगा या कलर्ड होगा, तो ये सारा कुछ आप इससे सॉल्व करके आसानी से बता सकते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है हम लोगों के पास जिस पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग अप्लाई करेंगे, ये है कोबाल्ट हेक्साफ्लोराइड COF6। तो सबसे पहले आपको इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। तो नहीं पता है कोबाल्ट का एक्स फ्लोरीन का -1×6=-3। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा +3। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो CO3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, तो 27 होता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d7 है। बड़ा आसान है, अगर 27 है तो s2 7 लिखना है, 26 है तो 2 और 6 लिखना है, 28 हो तो 2 और 8 लिखना है। निकल का जैसे 28 है, कोबाल्ट का 27 है, तो ये लिख दिया। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से हटा देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा देंगे, तो बचेगा क्या, 3d6। तो ये स्टेप 2 हो गया। थर्ड स्टेप में हम लोगों को क्या करना होता था, तो ऑर्बिटल डायग्राम बना देना है। तो ऑर्बिटल डायग्राम में 6 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 6 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिए। इसके बाद हम लोगों को F6 को सेट करके दिखाना है, तो अब यहाँ पे हम लोग COF6 लिख करके बनाएंगे। तो ये जो डायग्राम है 3D वाला, उसको तो एक बार फिर से बनाना पड़ेगा, तो फिर से बना देते हैं। ये हो गया 3D, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है कि 6 है, मतलब 6 खाली बॉक्स हम लोगों को चाहिए। तो 3D के बाद जो बॉक्स हम लोग बनाएंगे वो होगा 4S,
उसके बाद हम लोग जो बॉक्स बनाएंगे वो होगा 4p, और अभी भी हम लोगों को चार ही ऑर्बिटल जो है सो मिला, और कितना चाहिए, 6 चाहिए, तो आपको डी भी बनाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको दो चाहिए तो आप डी का दो ही ऑर्बिटल खाली बना ले, नहीं, पूरा डी का सेट बनाना पड़ेगा। आपको ज़रूरत दो है तो ठीक है, दो लेंगे, लेकिन ड्रॉ तो आपको पूरा करना होगा। तो ये हो गया हम लोगों के पास 4d। अब इसमें 6 बॉक्सेस हम लोगों को सेलेक्ट करना है, तो एक तो 4s वाला रहेगा, फिर तीन बॉक्स जो है सो 4p वाला रहेगा, तो चार हो गया, और एक यहाँ 5 हो गया, और एक यहाँ 6 हो गया। इन सबों में क्या होगा, तो फ्लोरीन आएगा और सब के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा, पांचवा, छठा। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो कौन कौन सा ऑर्बिटल शामिल हुआ इस हाइब्रिडाइजेशन में, तो एक एस, 3p शामिल हुआ तो sp3, और 2d शामिल हुआ तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा। और इसका ज्योमेट्री कैसा होता है, तो ये टेबल हम लोगों ने लिखा था, इसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होता है। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आपको दिख रहा है, तो 1, 2, 3, 4 दिख रहा है, तो इसकी वजह से इसको हम लोग कहेंगे पारा मैग्नेटिक हो जाएगा, और ये कलर्ड भी हो जाएगा, इसका कलर भी आपको मिलेगा। म्यू का वैल्यू निकालना है, तो म्यू का वैल्यू आप एन इंटू एन प्लस टू करते थे, तो 4 × 4 + 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा √24 बोर मैग्नेट्रॉन। इतना सारा चीज़ जो है सो इसके बारे में बता सकते हैं। और इसका डायग्राम कैसा होगा, तो डायग्राम भी जो है सो हम बना देते हैं। इसका डायग्राम हम लोग बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल का, तो एक स्क्वायर आप ऐसे बनाएंगे, बीच में कोबाल्ट, और इसके साथ 6 फ्लोरीन्स को अटैच करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इस पे 3 नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसका ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम हो जाएगा। सब जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो आज जो है सो हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का दो एग्जांपल पढ़ा, एक NiCl42- और एक CuF6-3-। इस दोनों में क्या खास बात है कि दोनों वीक लिगेंड से बना हुआ कॉम्प्लेक्स है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड से बना हुआ कॉम्प्लेक्स होगा तब फिर कुछ कहानी में ट्विस्ट आएगा, और उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि कैसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, कलर, ये सारा कुछ पता करते हैं। थैंक यू।